दोस्तों 15 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन पहले तक की बात है। हमारे देश में सभी लोग बोल रहे थे कि आईटी कंपनियों का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन अब देख लीजिए, एक के बाद एक नई और बड़ी डील आ रही है भारतीय आईटी कंपनियों के हिस्से। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, इंफोसिस ने $2 बिलियन मतलब 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जीता है। अगले 5 सालों तक इंफोसिस इस डील के अंतर्गत पैसा कमाती रहेगी। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन उससे बढ़िया बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एआई बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियां अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व कर रही हैं। और दोस्तों, आज ये जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी हमने चर्चा पहले ही कर ली थी कि भैया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके कारण हमारी आईटी कंपनियों का धंधा खत्म नहीं होगा, उल्टा धंधा और बढ़ेगा और बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, $2 बिलियन की बड़ी डील जीती है। हालांकि इंफोसिस की तरफ से और अन्य आईटी कंपनियों की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, चारों तरफ पॉजिटिव कवरेज भी है, लेकिन हमें लोगों की बात नहीं सुननी है, हमें साक्षात रूप में श्री चार्ट महालक्ष्मी जी का आदेश पढ़ने का प्रयास करना है। दोस्तों, आप चार्ट देख लीजिए, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर निफ्टी आईटी खड़ा हुआ है और कल इसने ब्रेकआउट का प्रयास किया था, लेकिन भैया जी, बहुत कमजोर टूटा हुआ तारे जैसी कैंडल बनी है। इसलिए लालच से दूर रहते हुए थोड़ा सजग और चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, दिक्कत ये है कि पिछले बार भी जब ब्रेकआउट होने का प्रयास हुआ था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास किया था निफ्टी आईटी ने, तब तब बड़े पैमाने पर पब्लिक को फांसा गया, क्योंकि टीवी वाले, यूट्यूब वाले हर बार तभी बोलेंगे ब्रेकआउट जब ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है लाल लाइन वाला वो टूटने वाला हो। तो पब्लिक ऑलरेडी फंसी बैठी है, जैसे ही उनका दाम आया वो तुरंत बेच के निकल गए। ये जो लोग हैं जो अभी निकल रहे हैं, ये अधिकांशतः है वो लोग हैं जो बिना प्रॉफिट के निकल रहे हैं। जैसे ही भाव आया तो निकल लिए कि भैया, भागते भूत की लंगोटी भली। लेकिन जैसे कि हम हैं, हमारा आईटी सेक्टर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश है, तो हम थोड़े से प्रॉफिट के लिए नहीं खेल रहे हैं, बड़े प्रॉफिट का हमारा टारगेट है। तो यहां हम आपको आईटी सेक्टर में निवेश करने की सलाह, राय अथवा टिप नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि खरीदने बेचने का जो भी निर्णय लेना है वो आप साक्षात और सजीव रूप में श्री महालक्ष्मी जी जो इस चार्ट पर बताती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप निर्णय लेंगे, तो आपकी सफलता को आपको पैसा कमाने से दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक पाएगी। और हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में असीम सफलता प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स। ज्वाइनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी।